जा रे मोबाइल गिरना मत एंगल थोड़ा सा कार क्या करूं मैं ऐसा क्यों होता है बार बार ऐसे मैनेज कर सकते हो क्या आप मुझे देखना How bad it is. कैसे सेट करूं यार इसको मैं ऐसे चलेगा क्या चलो ऐसे चलाते हैं यार लेट्स मैनेज फाइनली थोड़ा सा लाइट सेटल करते हुए आई एम रियली नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंगल बट ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा था वही सेम पर्दे वाला बैकग्राउंड जो है बार बार आ रहा है मेरे वीडियोज में इसलिए मैं अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ पर्दा उस साइड है थोड़ा सा चेंज दिखना चाहिए ना बोर हो जाते हैं सेम टाइप की चीजें करते करते और बड़े दिनों के बाद आई रेडियो की याद मतलब रेडियो को मैं तो नहीं भूली मैं तो रोज रेडियो पर हूँ आप लोग सुन भी रहे होंगे लेकिन हाँ रेडियो पर कोई बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन में ज्यादा फोकस दूसरी चीजों पर कर रही थी आप तक अच्छी अच्छी चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रही थी मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन जब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेडियो जॉकीज को एड्रेस किया तो मेरा एकदम प्राउड से ऐसा हो गया कि यार क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी हमें दी उन्होंने हमको इतना रिस्पॉन्सिबल समझा है कि एक सोसाइटी में अच्छा बेटर चेंज जो है वो रेडियो जॉकीज भी लेकर आ सकते हैं तो आप लोग भी समझ रहे होंगे यार कि कितनी इम्पॉर्टेंट जॉब है ये कितना अच्छा करियर है कितना इम्पॉर्टेंट करियर है और सोसाइटी में बेटरमेंट लाने के लिए रेडियो कितना ज़रूरी है ये रेडियो का इम्पोर्टेंस है सो इसीलिए मैं आप सभी को बताने आई थी क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग ये चीज़ बार बार पूछ रहे हैं कि अभी आप लोग तो स्टूडियो जा नहीं रहे हो तो फिर आप लोग वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे हो ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी तो मैंने सोचा ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पर भी ज़रा बात की जाए और जो क्यूरियस हैं हमारे जनता जो जानना चाहती है कि आरजेस वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे हैं मैं थोड़ा सा उनको इस बारे में बताऊं सो सबसे पहले तो देखो जो भी लोग रेडियो में काम करते हैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर वो सारी एलिमेंट्स प्ले होते हैं गाने एड्स और जॉक टॉक वगैरह सब प्ले होता है उसको रिमोट एक्सेस दे दिया गया है जो भी यू नो टेक्निकल बंदे होते हैं हमारे स्टेशन पर वो उसको अभी घर से हैंडल कर रहे हैं और गाने और एड्स तो बन ही रहे हैं वो जो साउंड इंजीनियर है वो अपने घर पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और गाने तो प्लेस करने के लिए ऑलरेडी म्यूजिक मैनेजर्स होते हैं वो रिमोट एक्सेस जब मिल जाता है ना तो उसको वो प्लेस कर सकते हैं और रही हम आरजेस की बात तो बहुत सारे ऐसे आरजेस हैं जिनके घर पर छोटा सा स्टूडियो बना हुआ है जो ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे कि माइक होता है हेडफोन होता है और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पर वो अपना जो भी बोलते हैं वो सब कुछ एडिट करते हैं तो वो उस तीन बेसिक चीज़ों के साथ अपने शोज भेज रहे हैं और मैं पर्सनली मोबाइल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर थैंकफुली काफ़ी अच्छा है आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप्स भी आ गए हैं जिसमें यू नो वॉइस अच्छी आ जाती है और मुझे लगता है इस टाइम पर ना क्वालिटी ऑफ वॉइस से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट क्वालिटी ऑफ थाट्स जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं तो वॉइस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चल जाएगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन जो हम कहना चाहते हैं जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों से कैसे जुड़ रहे हैं बिकॉज रेडियो इज़ अ टू वे मीडियम ना कितनी कमाल की बात होती है कि रेडियो पर आप अपने लिसनर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं तो अब लोग हमसे कैसे अपने थाट्स शेयर कर रहे हैं दैट इज़ थ्रू व्हाट्सएप पर लोग अपने मैसेजेस हमें रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं बिकॉज हम लोगों की समस्या भी जानना चाहते हैं हम ये भी जानना चाहते हैं कि लोग इस टाइम पर कैसा महसूस कर रहे हैं वो घर पर क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें उनके लाइफ में अफेक्ट कर रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं ना उनके भी कुछ मैसेजेस हैं जो हम पहुँचाना चाहते हैं सब तक तो ये सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जैसे आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस पर भी मैं हर दिन अपने एक डिस्टेंट गेस्ट को लेकर आती हूँ तो अभी हम उनसे मिल तो नहीं सकते बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अपने वीडियोस भेज रहे हैं अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं जस्ट फॉर द
अवेयरनेस, और जो नीडी लोग हैं यू नो उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से. रेडियो पर बेसिकली हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे वो खुद को सेफ कैसे रखें, कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करें. मैं अपने वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, वही सारी चीज़ें मैं रेडियो पर भी बोल रही हूँ. और गाइडलाइंस फॉलो करें, अच्छे सिटीजन बने. दूसरा ये चीज़ कि हम लोगों को बता रहे हैं कि यार वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सड़कों पर निकल कर ही मदद करो, आप और भी बहुत सारे तरीकों से यू नो मदद कर सकते हैं. जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें आप लोग भी पैसे डोनेट कर सकते हैं. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं इसमें डोनेट, ताकि दूसरों की मदद हो सके, हेल्प हो सके. और साथ ही साथ आपके घर में जो मेन्स हैं, आप एक तो उनको घर पर बुलाइए मत, और दूसरा आप उनकी मदद कर सकते हैं यार. मतलब बाहर जाके कहीं और चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ही यू नो एडवांस पे कर सकते हैं, या फिर उनकी सैलरीज रोके नहीं. बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि वो ये भी कर रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब घर पे वो काम करने तो आ नहीं रही. प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. और थोड़े पैसों से आपको शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ अफेक्ट हो जाती है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे कोरोना फाइटर्स यार, उसमें बहुत सारे लोग हैं पुलिस में जो बाहर वॉलंट्रीली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बाहर जा जा के अपनी तरफ से खाना जमा कर रहे हैं यहाँ वहाँ से और गरीबों तक पहुँचा रहे हैं. हमारे डॉक्टर्स तो यार दे आर ऑन द प्लेस ऑफ गॉड नाउ. उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो जो कुछ कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे लोग, क्लीनर्स, बहुत सारे लोग जो हैं, ये सब के सब, और मैं तो उनको भी मानती हूँ जो अब तक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सब्जी दुकानें खोल के बैठे हैं, किराने की दुकानें खोल के बैठे हैं, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, वो भी सब इसी में इंक्लूडेड है. दे आर द कोरोना फाइटर्स, और इसीलिए उनको हम लोग बार बार अप्रिशिएट कर रहे हैं. और कहीं उनका मॉरल डाउन ना हो, उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. और कमाल की बात यह है कि यार जनता जब हमारे साथ जुड़ जाती है ना, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं वो हमें लोगों से मिलते हैं. और हम चाहते हैं कि ये मैसेजेस जो हैं वो सारे कोरोना फाइटर्स तक पहुंचे, इसलिए मैं अपने वीडियो में भी शेयर करना चाहती हूँ. FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर मैं दीपिका आपके साथ. और एक सलाम कोरोना फाइटर्स के नाम, नागपुर के अलग अलग कोनों से अलग अलग लोगों के मैसेजेस पहुंच रहे हैं. सुनिए. जब 2020 शुरू हुआ था तो सोचा भी नहीं था कि कोरोना जैसे कोई वायरस आएगा जो हमें घर के अंदर बैठने पे मजबूर कर देगा. लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हमारे कुछ हीरोज हमारे लिए अपने घर से दूर निकल कर हमारे सेवा में लगे हुए हैं. मैं उन सभी हीरोज को, सभी फाइटर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. मेरा नाम है आर्यांश और मैं सारे कोरोना फाइटर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम उसकी वजह से सेफ हैं. आप भी खिलो, नहीं तो कोरोना आएगा. थैंक यू. Hi, thank you for Corona fighters like doctors, soldiers, police and nurses. Now thank you for valuable support which you people are giving us, the valuable time, and you are saving our country. And also we hope it will be get end as soon as possible and we'll all be together. And it will be a happy ending. Thank you so much. आपके भी messages का हमें ऐसे ही है इंतजार. घर पर बैठे हुए please at least थोड़ा सा gratitude in Corona fighters के नाम ज़रूर दिखाइए, और अपनी आवाज़ में एक प्यारा सा थैंक यू मैसेज रिकॉर्ड कर दीजिए. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7757911911. बने रहिए दीपिका के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर. घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए. ये देखिए, ये सारा कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है रेडियो पर, और रेडियो पर तो ये सब कुछ जा ही रहा है. और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू कनेक्टेड रखने की, यूनाइटेड रखने की. आज के मेरे डिस्टिंक्ट गेस्ट जो मेरे वीडियो में थे वो तो ये सारे लिसनर्स ही थे, और इन्होंने जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं, हम भी थोड़ा से अच्छे सिटीजन बनने का एक अंदर से एक प्रॉमिस करना चाहिए खुद से कि हम भी अच्छे सिटीजन बने और घर पर ही रहें, सेफ रहें. कोरोना से लड़ने का ये एकमात्र तरीका है. चलिए अब अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ. आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा, तो लाइक करना, शेयर भी जरूर करना, कमेंट भी जरूर करके बताना कैसा लगा, और घर पर अभी क्या क्या कर रहे हो आप लोग एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, वो भी मुझे जरूर बताइए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर एंड बाय बाय.